हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, मैं रीना खत्री आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मच चरण रिएक्शन पे। तो भाई आ गई हूँ मैं आज एक और धमाकेदार सी रिएक्शन वीडियो के साथ। MJO, जिसको नहीं पता उसका एक नया एपिसोड रिलीज हो चुका है आज, उसी पे रिएक्शन वीडियो होने वाली है। देन फटाफट जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो एंड अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, नहीं भी लगाना तो MJO काफी साफ सुंदर और काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अब बिना हेडफोन्स के भी सुन सकते हैं। बट यू नो कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं वीडियो के लिए, तो हमको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको जैसे भी कन्वीनियंस लगे यू कैन डू इट। तो भाई फटाफट बढ़ चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ये वीडियो। फर्स्ट फ्लाइट भाई वीडियो का नाम है एंड वीडियो बाय MJO मेक जोक ऑफ बाय सौरभ सर, तो देख सौरभ शुक्ला सर, तो देखते हैं भाई कैसे क्या रहने वाला है। करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। अरे यार हमको प्लेन से बहुत डर लगता, कैसे जाएंगे? हमको एरोफोबिया है। यार तुमको साला हर चीज से फोबिया है, तुमको किस चीज फोबिया नहीं है? पानी से तुमको फोबिया, ठंडी से तुमको फोबिया, अभी ठंडी में आग जला देंगे तापने के लिए, ओम शांति ओम के शाहरुख खान बन जाओगे तुम साला। अरे यार भैया इनको संसार के पंच तत्व पृथ्वी जल सूर्य आकाश वायु सबसे फोबिया है इनको, और फोबी नहीं नहीं भैया भैया इनको पता है इनको पंच तत्व से फोबिया नहीं है, इनको पंच तत्व में विलीन हो जाने का फोबिया। नाइस वन, बढ़िया था। यही बात है, डरने की बात ही नहीं है। और वो बात छोड़ो, तुम्हें एक ये है कि तुम जो है तुम पहले बच्चे हो इस गांव के, तुम पहले बच्चे हो जो अपने गांव से जहाज में बैठने जा रहा। तो ये जो है हम लोगों के लिए भैया पाउट की बात है, बहुत पाउट की बात है। तो हम लोग तुम्हारे बहाने एरोप्लेन देखने जहाज देखने छू लेंगे उसमें, और नहीं तो क्या। तो भाई वही तो भैया, कोई डरने की बात है नहीं। ओके, तो फर्स्ट फ्लाइट में बैठने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है फैमिली। मान गई है ये तो गा, ऐसे हुई इनका हुई। अरे देखो, ये देखो कैसे चला जा रहा है, एकदम चेपे दे रहा, एक्सेलेरेटर पाव दबाए है एकदम, है देख रहे हो। विज्ञान विज्ञान विज्ञान, ये माँ खूब बड़ी मोटर लगी है, देखो पीछे दिखा रही। बिल्कुल जैसे कि बड़े बात करते हैं ना कि एरोप्लेन के बारे में, बिल्कुल वैसे ही काफी रिलेटेबल वीडियो बनाते हैं MJO वाले। देखो छोटी का, अब देखो छोटी का, छोटी का, छोटी का, छोटी का निखरी का, काफी छोटा हो गया, छोटा पहुंच गया अपने जहां उसको एयरपोर्ट पहुंचना था। अच्छा ऐसा दिखा तो रहा, दिखा विखा कुछ नहीं रहा, वो आकाश से लाइट आ रही दूर से, तो उसका पास्ट देख रहे हो जो तुम अभी देख रहे हो, जो लाइट दिख रही है अब वो आ रही है, वो वस्तु वहाँ है नहीं, लाइट अब आ रही वहाँ से, वो तुमको बस दिख रहा है, वो है नहीं। अगर यही सब समझ पाते होते हो तो एरोप्लेन में तुम्हारा घर होता, नीचे ना देख रहे होते हो। आईडी आधार कार्ड बोर्ड पासवर्ड, हाँ ये ठीक, देखो डराओ वराओ ना, हनुमान चालीसा पढ़ ले। देखो यार भाभी डरने की बात तो है। अच्छा कहे? अरे यार 32,000 फीट ऊपर लिए चले जा रहे हो उड़ावत, तुम ऊपर बटन काम करना बंद कर दीस, तुम खटखट 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 बटन दबा रहे हो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, एरोप्लेन नीचे गिरता चला जा रहा, क्या कर लोगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है, और जब होता है चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। अरे सब बातें कंटाप मार दे, बातें होते हम जो बताया कर सीधे सुन लिया करो, नहीं हमारे बगल ना बैठ, बदतमीज कहीं का, इज्जत करना नहीं जानता है, दिन भर मोबाइल घुसा रहेगा, पता नहीं क्या चलाया करेगा। कर रहा है डाउनलोड, करो करो। अच्छा ये बताओ कोई धारदार आइटम तो नहीं रखे हो, चाकू सुई तलवार सिंघाड़ा हैं? नहीं नहीं नहीं, अंदर चेकिंग होती, चड्डी तक अंदर पूरा चेक करते हैं और क्या, और बैग रखे रही ना अलग संभाल के, बैग तो संभाल के आई है, बैग में कौन सा हीरे जवाहरात रखे? नहीं भी हो हीरे जवाहरात तो तुम साला पूरी पब्लिक को बता दे हो कि हमारे बैग में हीरे रखे, हमारे बैग में हीरे रखे, जिसे कोई आया मर्डर करके चला जाए बेवकूफ। अरे सब कुछ नहीं, अभी देखना इनका बैग वैग सब ले लिया जाए, और क्या है, बैग इनके साथ थोड़ी जाएगा, बैग बाय रोड काफी अच्छा एनिमेशन करते हैं भाई MJO वाले, खाली प्लेन से टिकट कुर्सी वगैरह पेड़ वगैरह वहाँ ले जाएंगे प्लेन से। नाइस,
जब ये वहाँ पहुँचेंगे तो बैग अलग आएगा इनके पास, अलग रास्ते से रेंगते हुए आएगा, जमीन जमीन आएगा, फिर इनके पास पहुँचेगा, फिर उठा लो। ना उठाओ तो ना उठाओ तो ना उठाना भाई, पला रहने देना और नंगे होके लेट जाना उसी जगह। ना उठाओ तो ये लड़का पैदा कर दिया, समझ में नहीं आता। हमको नहीं लग रहा है पहुँच पाएंगे वहाँ तक, हमको लग रहा है थोड़ा सुबह तक फोन आएगा पाकिस्तान से, भैया हम यहाँ पाकिस्तान बैठे जेल में और हमको छुड़वाओ। अरे वही सब बात सब ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ बाहर का है बैठे हैं, चलो अंदर चला जाए, देखा व्याखा जाए अंदर का हुआ सब बना होना है। हाँ हाँ आओ, नहीं तो कहा अंदर चलो घूमे चल के आओ। अरे अभी इनकी मौसी आ रही ना। मौसी क्या करे यार। अरे क्या बताए, काहे के लिए आ रही, मरने आ रही, जीने आ रही मौसी। हम 70 बार समझा चुके साला, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम साला किसी इंसान को समझा रहे, कि रोबोट को समझा रहे, कि मतलब हम किसी पत्थर को समझा रहे हैं, कि चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं हम। क्या हो गया? अरे यार हम 10 बार बता रहे व्यवहार 70 फालतू ना पाला करो। अरे यार वो आ रही अपना व्यवहार निभाने, उन लड़का जा रहा तो एक बार विदाई करने आ रही, तो क्या कहें इनका पसंद नहीं। अभी साई टूट जाएगी तो यही पसंद ना पसंद करती रही जाना, फिर ताली बजाना पलती मार के पसंद ना पसंद। अरे तो उड़ जाएगी तो दूसरी आएगी। वही टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के लड़ाई झगड़े, इतनी रिलेटेबल वीडियो होती है ना। सब वहीं जा रही जाए जा रहे। अरे घूमियो फोन वोन मिला पूछ ले कहाँ रह गई, कहाँ कही रही, कितनी देर मार रही, यो नहीं घूमियो मतलब सारू। ए तुम करो फोन, हमारा करना अच्छा नहीं लगता। का है? अरे वो इनकी मौसी के सामने हम इनके चाचा पड़ जाते हैं तो तो हम आपके कौन वाला सीन बन जाता है। स्विच ऑफ बता रहा। अरे हाँ स्विच ऑफ हो, रस्ते में हुई है। रस्ते में हुई है तो स्विच ऑफ है। हाँ उनकी आदत है बचपन से, कहूँ रस्ते में हुई है, रोड पर निकली है तो पहले फोन स्विच ऑफ कर देती है। ऊपर पीछे तो मैंने अभी देखा सौरव शुक्ला, क्या बताए मतलब। अरे यार वैसे पूरा नाम निपल भाई थोड़ी है जो तुम्हारे लिए इंतजार करेगी यार, जल्दी आना चाहिए यहाँ पे, हम लोग नहीं बैठे क्या तू थे। हवाई जहाज भी एक तरीके की बस ही है, उसका एक और नाम है एयरबस। अच्छा तुमको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा चीज है, ये एक्स्ट्रा चीज नहीं, ये बस है, बस उड़ने वाली बस है, एयर बस, हवाई बस। तो इसमें भी कंडक्टर होते होंगे। आ भैया आ भैया। अबे इसमें कंडक्टर नहीं रहता, एयर हॉस्टेज लोग रहती हैं। देख लोग पगला जाओगे, एकदम गोरी चिट्टी साफ सुथरा कपड़ा पहने, एकदम मृग नैनी। तुम्हारी सीट के पास एक बटन दिया रहेगा खोपड़ी पे, एकदम दबाओगे तो तुम्हारे पास आएंगी दौड़ के, एकदम पास आएंगे, बोलेंगी हेलो सर व्हाट डू वांट यू, आई गिव एवरीथिंग टू यू। तुम स्वर्ग की सुनता है, हाई लेवल वाली इंग्लिश। अरे स्वर्ग है ये है, आसमान में स्वर्ग है, एकदम राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट है। किस कौन राजा महाराजा गया विदेश बताओ हमको, कौन राजा महाराजा विदेश? कोई नहीं गया राजा महाराजा, कोई विदेश नहीं जा पाए। कहे राम जी गए नहीं थे श्रीलंका? राम जी जब श्रीलंका गए ये सैवेज है भाई, सन्यासी थे वनवासी थे उस टाइम। नहीं लेकिन नहीं सुनो, मंथरा के कुसंग में आके माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे, एक राम को 14 वर्षों का वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी। अगर रामायण जानते होते तो इतना पता होता बेवकूफ कहीं के। अरे यार तो रावण भी तो आया था सीता जी का हरण करने, विदेश नहीं आए थे क्या? उसकी बात अलग है, वो पुष्पक विमान से आया था। लेकिन आदि पुरुष में तो चमगादड़ बताए। आदि पुरुष क्या? अच्छा हमने भैया सुबह 3 से 4 बार चिल्लाया कि हो आओ हो आओ, नहीं कुछ तो कम से कम गैस पास होगी बैठाओ, लेकिन नहीं अब आ गई लैट्रीन। अरे लैट्रीन नहीं केवल टॉयलेट लगी है। नहीं भैया बता रहे अभी टॉयलेट लगी है, फिर एरोप्लेन में लगेगी लैट्रीन, तब देखना तब पचपचाते हुए हम लोग की छत पर से जाना, हम लोग की खोपड़ी पे गिराते हुए। यार उधर कर लियो ना खड़े होके किनारे। कहाँ कर लियो खड़े होके, बंदूक पकड़े सीने में दाग देगा 4 धाए धाए भुक भुक। कर लियो खड़े होके तो बैठ के कर लियो। सरकार जो इतने एयरपोर्ट बना रही, तुम्हें पेशाब करने के लिए नहीं बना रही समझो।
कि तुम आओ और मुत मुत जाओ छुल छुल पेशाब की नदियां बहाओ वहीं तैर तैर लैंडिंग होए। अरे यार हम करा देंगे पीछे एक वहाँ एक जगह है उधर से एरोप्लेन जाते भी दिखते हैं हम बढ़िया देखते जाओ करते जाओ और लोग तुम्हारा वीडियो बनाते चले जाए ऊपर से वीडियो नहीं तो सब ऐसा है रोके रहो अभी एकदम गेटिस लगा के बता रहे हैं जो बात तुमको अभी करवा रहे हैं अंदर चल के तुमको एकदम पेल्विक मसल थोड़ा स्ट्रांग रखो अभी अंदर करवा रहे चल के अंदर चल के क्या करवा रहे हो बाथरूम करवा रहे हैं उन्हें तो उल्टी करवाएंगे चल के अरे हम कह रहे हैं मतलब तुमको अंदर जाने को नहीं मिलेगा और या यहीं छोड़ दोगे अकेले जाएंगे अपना तो क्या भैया हम लोगों को एरोप्लेन देखने को नहीं मिलेगा क्या वहाँ मेला लगा है क्या दूर दूर से गांव से लोग आए देखने तो भाई एरोप्लेन सजा हुआ रखा है देखो एरोप्लेन देखो अच्छा तो ये सारे नहीं जा रहे हैं ड्रॉप करने आए छूने को भी नहीं मिलेगा नहीं छूने को मिलेगा आंख में पट्टी बांध के अंदर जा सकते हो छू भी सकते हो चला सकते हो टेक ऑफ करो लैंड करो फिर बाहर आ सकते हो ओ बस देख नहीं सकते और ट्रैक पे लेट जाना जिससे तुम्हारे ऊपर से चढ़ के प्लेन टेक ऑफ होए अरे पापा बहुत तेज लगी है सुख जाओ बच्चा मौसी का आ जाए दियो अरे मौसी तेल लेने गई यार मम्मी हमको बहुत तेल लगी है सुबह क्यों नहीं करके आए थे अरे हम बेवकूफ है जो सुबह नहीं करके आए थे अभी बहुत तेल लगी हमको बहुत जाएगी फिर देख रहे हो कैसे जवान लड़ा रहे हैं अरे निकालो आईडी निकालो बोर्डिंग पासवर्ड चलो चले तुम अंदर करवाएं हमारे गप्पू की भी यही आदत है जवान बहुत लड़ाता हम तो धर देते हमारा लड़का खुद जवान लड़ाता लेकिन हम धर नहीं पाते कहे कि सुनीता हमको धर देती कहती बहुत मारते हो तुम कम बोला करो क्या हुआ निकाला सब क्या होगा हैं बोलोगे क्या देख रहे हो गुम्मे से खड़े पुतला बने कुछ ना कुछ कांड जरूर किया है हैं मम्मी का आधार कार्ड अरे मम्मी का आधार कार्ड नहीं तुम्हारा आधार कार्ड लगेगा मम्मी को भेज दो क्या हुआ तुम ही तो कह रहे हो आधार कार्ड दे दो हम अपन दे दिया हाँ का हो गया कल्याण वाइट लीनन जहाज में तुम क्या कर रहे हो अरे हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं आज एमजीओ का बर्थडे है ना सौरभ शुक्ला का 13 दिसंबर इसलिए वो विश कर रहे हैं ओहो हैप्पी बर्थडे सर बर्थडे मनाते हैं Thank you for all wishes and love and wishes. Okay. तो अब क्या करना है? अरे दिक्कत कोई नहीं हमारे पास पैन कार्ड है तो मुंह का है लड़का क्या हो गया टॉयलेट हो गई है सो गाइज दैट्स अ वीडियो आई होप यू इंजॉय द वीडियो क्योंकि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है एमजीओ की कोई भी वीडियो आए एक नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी होती है एंड एक इंजॉयमेंट ही अलग होती है जैसे कि मैंने बीच में मैंशन किया था यू नो हमारी फैमिलीज हमारी जैसी फैमिलीज होती है उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं तो ज़्यादा रिलेट कर पाते हो तो इस वजह से वो काम इतना ज़्यादा पसंद आता है खासकर कि एनिमेशन की मैं तारीफ करूँगी मेरे को बड़े मतलब क्वालिटी वाले एनिमेशन लगते हैं ये एंड सही में काफ़ी अच्छा काम है एंड सबसे बढ़िया बात उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया एंड बहुत ज़्यादा फनी है खासकर कि यू नो एनिमेशन में एक्सप्रेशन दिखाना गुस्से के खुशी के वो अपने आप में ही एक टैलेंट की बात है और रही बात फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सौरभ शुक्ला सर आपको हैप्पी बर्थडे बहुत ज़्यादा एंड आप ऐसे ऐसे अच्छा नया कंटेंट हमारे लिए लाते रहे हमेशा एंड और भी ज़्यादा ग्रो करें अपनी लाइफ में सो गाइज दैट्स माई रिएक्शन वीडियो आई होप यू एंजॉय द वीडियो इफ यू एंजॉय द वीडियो द लाइक सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ तब तक के लिए गाइज गुड बाय